नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे कि आप सभी को अपने घर में कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट बेटर होना चाहिए। जब भी हम लोग अपना घर स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, तब हमें जरूर ये ध्यान में आता है कि हमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपोजिशन के सीमेंट मिल रहे होते हैं। ओपीसी सीमेंट मिल रहे होते हैं, पीसीसी सीमेंट मिल रहे होते हैं, पीएससी सीमेंट मिल रहे होते हैं और अलग अल्ग ब्रांड भी मिल रहे होते हैं आपको, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, डालमिया हो गया, जेके सुपर सीमेंट हो गया, बांगर सीमेंट है। तो कई तरह के ब्रांड मिलते हैं, उनमें से कई तरह का ग्रेड होता है, कई तरह अलग अलग कंपोजिशन में मिलते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा यूज करना चाहिए जब भी आप घर स्टार्ट करते हैं, तो ये सवाल जरूर आपके मन में आता है। और जब भी हम दूसरे को सजेशन देना होता है, तो जो मेरे दिमाग में रहता है जिस ब्रांड का नाम, वो हम सजेशन दे देते हैं। लेकिन जब खुद का घर बनाना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सीमेंट हमारे घर के लिए बेटर होगा, बीम में कौन सा यूज करें, कॉलम में कौन सा सीमेंट यूज करें, और हम लोग जब छत ढलाई करें तो कौन सा सीमेंट यूज करें, जब हम लोग ब्रिक वर्क करें तो कौन सा सीमेंट यूज करें। तो ये सारा चीज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो सारा चीज कवर करने वाला है इस वीडियो में, तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। ए टू जेड में बताऊंगा, फाउंडेशन से लेकर ढलाई तक, प्लास्टर तक में कौन कौन सा सीमेंट आपको किस किस पार्ट में यूज करना है, तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं विच सीमेंट इज बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग ओपीसी सीमेंट की बात करेंगे, पीसीसी सीमेंट की बात करेंगे, और उसके बाद कौन कौन से कंपनी का सीमेंट आता है वो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपीसी सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओपीसी सीमेंट में देख सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, बहुत कम समय में ओपीसी सीमेंट जो क्या होता है हमारा सेटल हो जाता है, और पीसीसी सीमेंट के कंपैरिजन में ये मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं वो पीसीसी सीमेंट के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। ओपीसी सीमेंट का क्यूरिंग पीरियड, इसका क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो हमारा लेस होता है, ठीक है। ओपीसी सीमेंट को क्या आपको क्या कम टाइम तक आपको पानी पिलाना पड़ता है, क्या होता है पानी का खपत कम होता है, क्योंकि ये अर्लियर स्ट्रेंथ गेन करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है अर्लियर ही रिलीज करता है, तो इसीलिए क्या होता है इसे कम समय में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, इसीलिए कम समय के लिए ही हमें पानी पटाना उसमें पड़ता है ओपीसी सीमेंट में, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी पॉइंट हमारा लिखा हुआ ग्रेड की बात, ठीक है। ग्रेड कौन कौन सा, तीन ग्रेड में ओपीसी सीमेंट आता है, एक 33 ग्रेड में, एक 43 ग्रेड में, एक 53 ग्रेड में। तो 33 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 43 का मतलब क्या होता है, 53 ग्रेड का मतलब क्या होता है। 33 ग्रेड का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो उस सीमेंट से ओपीसी सीमेंट से हम अगर हम 33 ग्रेड से कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं क्यूरिंग करने के बाद, जब हम 30 दिन बाद उसका टेस्ट करेंगे, तो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए, मिनिमम इतना हमें आना चाहिए। ग्रेड का मतलब यही होता है, ठीक है। 33 ग्रेड का है 33 स्ट्रेंथ आएगा, 43 का है 43 आएगा, और 53 का है तो 53 आएगा। ग्रेड का मतलब सिंपली यही होता है, स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का। अगला वर्केबिलिटी जो ओपीसी सीमेंट का वर्केबिलिटी इसमें आसान नहीं होता है, काम करने में आपका ओपीसी सीमेंट में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कारण इसका सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होता है अर्लियर स्ट्रेंथ, सिंपली अर्लियर क्या होता है तुरंत स्पीड में ये क्या करता है सेट होता है, स्ट्रेंथ गेन करता है, इसीलिए आपको क्या करना बहुत फास्ट में आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए वर्केबिलिटी इसका क्या होता है हार्ड होता है, काम करने में ये आसान नहीं होता है ओपीसी सीमेंट। और जब भी हमको बहुत जल्दी में अगर घर रेडी करना है तो हमें अवश्य ओपीसी सीमेंट का यूज करना चाहिए। अब हम लोग ई पॉइंट लिख के रखें, हीट ऑफ हाइड्रेशन पे बात करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है और ये बहुत ज्यादा रिलीज करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बहुत स्पीड से गेन करता है, इसीलिए क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज ज्यादा करेगा, तो आपको इसमें क्या होता है क्रैक होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा मिलता है। अगर प्रॉपर में आप कम दिन में अगर अच्छे से क्यूरिंग नहीं करते हैं तो उसमें क्रैप आने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि ज्यादा ये रिलीज करता है स्ट्रेंथ जल्दी गेन करने के कारण, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेंथ जो जल्दी गेन करता है। तो ओपीसी सीमेंट में इन पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए, जो जरूरी था आप सभी को जानने के लिए और डिस्कस करना जरूरी था। तो ओपीसी सीमेंट में ये सब यूज किए। जो कंपनी होती है सीमेंट की, देखिए टॉप कंपनी जो है एसीसी सीमेंट है, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, इमामी सीमेंट है, श्री सीमेंट है, जेके
सीमेंट है, डालमिया सीमेंट है, और भी ब्रांड आते हैं, बांगर सीमेंट है, और सभी ब्रांड है। तो मैं 7 ब्रांड का भी नाम लिख के रखा हूं जो सीमेंट की कंपनी है, जो अच्छा मैन्युफैक्चरर है। सीमेंट सब अच्छे होते हैं, बस आपको किस काम में, जैसे हम कॉलम ढलाई कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन सा ओपीसी सीमेंट यूज करना है या पीसीसी सीमेंट यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग बीम बना रहे हैं तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज करें, प्लास्टर करें तो कौन सा सीमेंट यूज करें, तो वो जरूरी होता है, ठीक है। सभी ब्रांड का सीमेंट अच्छा होता है, लेकिन किस जगह पे कौन सा सीमेंट हमें यूज करना चाहिए वो पता हमें होना चाहिए। जैसे रेट की बात करिएगा तो ओपीसी सीमेंट जो होता है महंगा पड़ता है पीसीसी सीमेंट से। अब हम लोग पीसीसी सीमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं, तब फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन से बीम में कौन सा सीमेंट यूज करें, कॉलम में कौन सा सीमेंट की, लास्ट में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे पार्ट वाइज एक एक चीज को, ठीक है। पीसीसी सीमेंट डिस्कस करें तो हम लोग पीसीसी सीमेंट का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। आप लोग जब भी सीमेंट खरीदे तो बैग पूछ लें ये ओपीसी सीमेंट है या पीसीसी, ये तो पूछ के ही खरीदे, ठीक है। जहां जो यूज है वही लगाएं। अब हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम कंपैरिजन में करेंगे ओपीसी सीमेंट से, तो इसका क्या होता है लेट से थोड़ा टाइम लेता है, इससे ज्यादा टाइम लेता है आपको पीसीसी सीमेंट। क्यूरिंग पीरियड भी इसमें ज्यादा होगा, ज्यादा दिन तक आपको पानी पटाना पड़ेगा और पानी का मात्रा ज्यादा खपत होगा आपको पीसीसी सीमेंट अगर यूज कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है, इसीलिए आपको लंबे समय तक इसमें पानी पटाना है पीसीसी सीमेंट जहां भी आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेडिंग की बात करें, इसमें पीसीसी सीमेंट जो होता है इसका ग्रेडिंग में आपका पीसीसी सीमेंट नहीं आता है कि उसका जो था 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, अलग अलग ग्रेड आता है, लेकिन पीसीसी सीमेंट का ग्रेड नहीं आता है। ये 53 ग्रेड का जो स्ट्रेंथ आता है उसी को ये क्या करता है, हीट करता है। 53 ग्रेड का जो 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो स्ट्रेंथ आता है ओपीसी सीमेंट के, उसी के सिमिलर इसका स्ट्रेंथ आता है 53 ग्रेड में ही ये बन के रेडी होता है, क्लेम करती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्किबिलिटी की बात करें तो वर्किबिलिटी में इसमें आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्लोली स्ट्रेंथ गेन करता है, सेटिंग टाइम हमको ज्यादा मिल जाता है, तो काम करने में आसानी होता है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। वर्किबिलिटी में आसानी होती है आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो होता है, क्यूरिंग पीरियड आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, पानी का खर्चा बढ़ जाएगा इसमें, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम रिलीज होता है, तो जिसके कारण जो होता है क्रैक होने का चांसेस भी हमें घट जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होने के कारण, ठीक है। रिलीज जो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कम मात्रा में होता है और स्लोली होता है। तो उसके बाद बात करें रेट की, तो रेट की जो होता है पीसीसी सीमेंट क्या होता है कम रेट होता है ओपीसी सीमेंट से हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें पोजोलानिक मटेरियल मिलाते हैं जिसके कारण रेट क्या होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है, 20-25% तक हम लोग पोजोलानिक मटेरियल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है रेट हमारा रिड्यूस होता है। एक होता है पीएससी सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, उसमें क्या होता है स्लैग हम लोग मिक्स करते हैं, इसको हमें यूज नहीं करना है। इसको यूज भी अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग फ्लोर बनाने में, टाइल्स लगाने में, प्लास्टर करने में, इन्हीं सब वर्क में आप लोग यूज करें, लेकिन कोशिश करें पीएससी सीमेंट हम लोग यूज ना करें, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इसे हम कहते हैं। जनरली जो यूज करा है हमें पीसीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट, ओपीसी सीमेंट का जो मेनली हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन में यूज कीजिए आप, फाउंडेशन में आप यूज कीजिए किसको, ओपीसी सीमेंट। उसके बाद हम लोग बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम डालते हैं, उसके बाद ग्राउंड बीम डालते हैं, जितना भी बीम हम लोग रेडी करते हैं उसमें बीम में यूज करें ओपीसी सीमेंट, कॉलम जो आप लोग कास्टिंग करते हैं उसमें यूज करें, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग स्लैब जो ढलाई करते हैं उसमें। कम से कम इन चीजों में जो हमारा स्ट्रेंथ गेनिंग का पार्ट होता है, फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, क्या होता है स्लैब से ट्रांसफर होता है लोड बीम में, बीम लोड ट्रांसफर करता है आपको कॉलम में, कॉलम लोड ट्रांसफर करता है आपको फाउंडेशन में, तो इन सभी चीजों में आप कोशिश करें कि ओपीसी सीमेंट ही लगाए। जब भी आप सीमेंट खरीदने जाए तो बैग पूछें ये ओपीसी सीमेंट है या पीसीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट ही किसी भी ब्रांड का आप लगा सकते हैं, इसी सीमेंट का ओपीसी सीमेंट लगाए आप, अल्ट्राटेक का लगाए, अंबुजा का लगाए, इमामी का लगाए, किसी का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ओपीसी सीमेंट इन सभी में लगाए। जब भी आप ढलाई करें, ढलाई वर्क में आपको क्या करना है ओपीसी सीमेंट यूज करना है। पीसीसी सीमेंट हमें कहां यूज करना चाहिए, पीसीसी सीमेंट हमें यूज करना चाहिए फ्लोर बना रहे हैं उसमें यूज करें, हम प्लास्टर कर रहे हैं प्लास्टर वर्क आप लोग कर रहे हैं उसमें यूज करें, फ्लोर कर रहे हैं टाइल्स लगा रहे हैं उसमें हमें यूज करना चाहिए, ब्रिक वर्क के जोड़ाई में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ब्रिक वर्क का जोड़ाई कीजिएगा उसमें भी आप लोग यूज कर ले पीसीसी सीमेंट। तो हम लोग दोनों को देख लिए ओपीसी सीमेंट हमें कहां यूज करना है और पीसीसी सीमेंट हमें कहां यूज करना है, प्लास्टर, टाइल्स, ब्रिक वर्क, इन सभी चीजों में आप लोग क्या कर सकते हैं ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं, और
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसमें 53 ग्रेड में, ठीक है, 53 ग्रेड का हमें यूज करना है, फाउंडेशन में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, और अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन में बहुत फास्ट काम करना है, ठीक है, स्पीड में काम करना है, तब तो उसमें आपको ओपीसी सीमेंट ही यूज करना चाहिए। और ओपीसी सीमेंट का जनरली यूज होता है ब्रिज, आप देखते हैं ब्रिज वगैरह में ओपीसी सीमेंट ही लगाया जाता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं उसमें ओपीसी सीमेंट लगाया जाता है, जहां स्पीड में काम होना है वहां ओपीसी सीमेंट आपको लगाना चाहिए। पीसी सीमेंट आपको प्लास्टर टाइल्स इन सभी चीज ब्रिक वर्क में लगाना चाहिए, और इन सभी ब्रांड में किसी भी ब्रांड का आप लोग सीमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसीसी, अल्ट्राटेक सब टॉप ब्रांड है इंडिया का, ठीक है। अल्ट्राटेक अब बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है, श्री सीमेंट भी चल रहा है, जेके सीमेंट भी चल रहा है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना इन्हीं चीजों का, ओपीसीसी है या पीसीसी है, बैग पे लिखा होता है। और एक चीज का आपको सीमेंट खरीदने से पहले जो ध्यान रखना है, कितने दिन पहले का मैन्युफैक्चर डेट जरूर देखें। आपको अगर 500-600 बैग आपका लगना है कंस्ट्रक्शन में, तो आप क्या करें, उसको एक बार बुक कर लें, एक बार पैसा दे दें, उसको बुक कर लें, लेकिन आप 100-100 का लॉट ही मंगाएं, ठीक है। और मैन्युफैक्चर डेट जरूर देखें, 3 मंथ तक का ही हमें सीमेंट को यूज करना है, ठीक है। 3 मंथ से जैसे ही आगे इंक्रीज होता है समय, क्या होता है, स्ट्रेंथ मेरा सीमेंट का डिक्रीज होने लगता है। आपको 1 मंथ पहले का सीमेंट खरीदना है लगभग, और 3 मंथ के बीच में हमें यूज करना है। जैसे जैसे 3 मंथ के आगे बढ़िएगा, तैसे तैसे स्ट्रेंथ घटेगा, 6 मंथ पे जाइएगा तो और ज्यादा स्ट्रेंथ घटते हुए दिखेगा, और हमें 1 साल के बाद का तो सीमेंट मैन्युफैक्चर से यूज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको यूज ही नहीं करना चाहिए, नया सीमेंट लीजिए। तो सीमेंट खरीदने से पहले क्या कीजिए, डेट जरूर मैन्युफैक्चर का देखिए, और ISI मार्क का तो जरूर देख के लीजिए, जिस भी ब्रांड का ले, आपको डुप्लीकेट ना दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ जानना है ओपीसी सीमेंट के बारे में, पीसी सीमेंट के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।